हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। मैं हूं प्रणाली और मेरे हस्बैंड का नाम है धीरज पाटिल और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। सो गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज का जो ये वीडियो है ना, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि हम लोगों ने दिवाली पे क्या क्या शॉपिंग की है। हम लोग गए थे भोपाल, आप लोगों को पता है, सारे ब्लॉग्स आप लोगों ने देखे हैं। तो हम लोग भोपाल से क्या क्या चीजें मेरे घर के लिए लेकर आए और क्या क्या चीजें मैंने अपने लिए खरीदी, वो सारा कुछ आज के व्लॉग में, आज के वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ विथ प्राइस। तो आप लोग भी बताना मुझे कि क्या मुझे वो सारी जो चीजें मैं लेकर आई हूँ वो सही रेट में पड़ी है या मुझे महंगी पड़ गई है। आप लोगों ने शॉपिंग की तो आप लोगों को कितने में पड़ा, सब कुछ आप लोग मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो चलिए, एंड आज के मेरे जो इयररिंग्स हैं ये कैसे लग रहे हैं, ये मुझे मेरे बहुत ही डियरेस्ट वन ने गिफ्ट किए थे। तो आप लोग बताना कि कैसे लग रहे हैं। वैसे मुझे लॉन्ग इयररिंग्स पहनना बहुत पसंद है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो सबसे पहले ना, बहुत बड़ा बैग है, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ एक सेकेंड। हाँ, उठाना भी नहीं है। तो ये देखिए, इतना बड़ा बैग है। तो देखिए, इतना बड़ा बैग है और इसके अंदर है मेरा जो भी सामान मैंने खरीदा था। ये बैग हम लोगों ने स्पेशली खरीदा था क्योंकि सामान इतना हो गया था, भोपाल से लाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बैग्स में ये इतना सब कुछ आ नहीं पा रहा था। तो मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके कि अभी हम लोगों ने इसके अंदर क्या लिया है और कितने का लिया है। तो चलिए, मैं इसको ओपन करती हूँ अपने पिटारे को। तो सबसे पहले मेरे हाथ में जो, मतलब मैंने रैंडम जो सामान रखा हुआ है ना, वही मैं आप लोगों को दिखाते जा रही हूँ कि क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले जो मेरे हाथ में आ रहा है वो है ये चादर, बेडशीट। तो ये बहुत ही सुंदर बेडशीट है, आप देख सकते हो। इसके ऊपर ना ये ऐसा गोल्डन प्रिंट का प्रिंट किया हुआ है और ये प्रिंट नहीं निकल रहा है, हम लोगों ने चेक कर लिया था वहां पर। मुझसे पहले गलती हो गई थी, मैंने एक दूसरा जो मतलब दीवान सेट खरीदा था तो उसका प्रिंट भी कुछ ऐसा ही था लेकिन वो निकल रहा था, तो फिर हम लोगों ने इसको चेंज करवाया था। तो ये एक बेडशीट है, मतलब मरून कलर का, ये बीच में ऐसा फैब्रिक आता है, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, और नीचे ये ऐसा येलो कलर का है और इस पर भी गोल्डन कलर से प्रिंट बना हुआ है। तो ये सिंगल बेडशीट है, सिंगल क्योंकि हमारा जो सामने का बेड है और बीच का रूम का भी जो बेड है वो सिंगल बेड ही है, तो इसलिए हम लोगों ने सिंगल बेडशीट ही खरीदा था। तो इसके साथ दो पिलो कवर्स भी है जो कि बिल्कुल सेम है, डिजाइन वगैरह इसका भी ऐसा है। तो दो पिलो कवर्स आए हैं साथ में और ये हमें पड़ा था 650 रुपए का, लेकिन इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्योर कॉटन मटेरियल है, तो इसलिए मुझे ये बहुत पसंद आया। तो अब आप लोग बताना कि ये सही मुझे पड़ा या नहीं। तो पहली चीज है ये बेडशीट। सेकेंड जो चीज है वो आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। मुझे बहुत दिनों से लेने थे कर्टन्स, पर्दे वगैरह लेने थे, तो मैंने ना ये तीन पर्दे लिए। ये जो थ्री कर्टन्स मैंने ये लिए थे अपने हॉल के लिए, बीच के बेडरूम के लिए, तो दो पर्दे मैंने सेम लिए हैं, जैसे कि ये वाला सेम लिया है, तो और एक अलग लिया है क्योंकि ये एक ही था उनके पास। अगर ऐसा ही सब होता तो मैं ऐसे और भी लेती। तो देखिए, मैं आपको इसको पूरा ओपन करके दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके का इसके ऊपर काम किया हुआ है, मतलब बहुत ही प्यारा सिल्क कपड़ा है ये। मैं आपको पूरा ओपन करके दिखाती हूँ। मैंने इसके इसको लगाया भी था अपने दिवाली वाले व्लॉग में, आप लोग जरूर देखना अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो। और इसके ऊपर ना ये देखिए, इसे स्टील की ये लगी हुई है, रिंग्स लगी हुई है। बाकी मैंने जो अभी पर्दे लाए हैं ना उसमें प्लास्टिक वाली है, सिर्फ इसी पर्दे में थी ये वाली रिंग। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके का लुक है पर्दे का। दिख रहा है आपको? यहाँ अच्छे से दिखेगा, देखिए। तो ये ऐसा है और बहुत सुंदर लग रहा था। मैं अगर पॉसिबल हो पाया तो साइड में पिक्चर्स भी लगाती जाऊंगी, पॉसिबल हो पाया तो। तो ये वाला फर्स्ट पर्दा लिया था, तो ये हमें पड़ा था 400 या 500 का पड़ा था ये वाला पर्दा, एक पीस, ठीक है। और जो दूसरा था वो था ये वाला,
तो इसमें नॉर्मल वाला ये अपना रिंग है और इसका डिजाइन भी अच्छा है, ये थोड़ा क्रीम कलर में है और मैं आपको दिखाती हूँ पास तक से। देखिए ऊपर इसके कुछ इस तरीके से बना है और नीचे इसके ऐसा ऐसा वाला डिजाइन है। ये भी थोड़ा नीचे यहाँ पर सिल्क वाला है और ये कुछ इस तरीके का है। नीचे इसके बहुत सुंदर फ्लावर्स बने हुए हैं, दिख रहे हैं आपको? तो ऐसे है। तो ऐसे ना मैंने दो कर्टन खरीदे थे और ये मुझे पड़ा है 700 का एक, मतलब कि ये 1200 के दो पड़े, मुझे दो कर्टन 1200 के पड़े। तो आप लोग बताना कि ये सही पड़े। मुझे थोड़े से एक्सपेंसिव लग रहे थे मतलब, लेकिन क्वालिटी भी उस तरीके की है उन पर्दों की, तो आई डोंट नो, मुझे लग रहा था कि एक्सपेंसिव तो हो रहे हैं बट बताना आप लोग बताना। तो ऐसे दो पर्दे हम लोगों ने लिए थे। नेक्स्ट मतलब ये टोटल मैंने तीन ही पर्दे लिए हैं, इसके अलावा और कुछ कर्टन्स वगैरह नहीं लिए। अब उसके बाद मुझे लेना था मेरे जो ये सोफ़ा है, अभी तो हमारा नॉर्मल वाला सोफ़ा है, तो इसके लिए मैंने ये कवर लिए थे। मैं आपको दिखा देती हूँ, तो देखिए ये वाला कवर लिया था हमने हमारे सोफे के लिए। और ये ना ऐसे, देखो कैसे बताऊँ, ये ऐसा वाला कपड़ा है, थोड़ा एकदम मखमली वाला कपड़ा है। और ये देखो ऐसा कलर है, इसको एकदम ब्लैक भी नहीं बोल सकते, थोड़ा सा ग्रेश कलर है इसका और साथ में ऐसे वाइट कलर के पिंक कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं। बहुत सुंदर लग रहा था जब मैंने इसको डाला पिलो कवर के कॉम्बिनेशन के साथ, बहुत बहुत प्यारा लग रहा था। तो ये ना मुझे एक पड़ा है 100 रुपये का, मतलब सिर्फ ये एक सिंगल है 100 रुपीज़ का। तो ये मैंने लिए हैं 8, क्योंकि हमारे जैसे ये दो है तो ऐसे, और फिर सिंगल सिंगल चेयर्स है, तो ऐसे मुझे 8 लेने पड़े। तो ये हमें टोटल पड़े 800 के ये सोफा कवर्स, ठीक है। नेक्स्ट फिर मैंने लिया है इसी के लिए पिलो कवर्स, जो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए ये पिलो कवर मैंने लिए इसके साथ कॉम्बिनेशन में, और इतना स्मार्ट लग रहा था मैं आपको बता नहीं सकती कॉम्बिनेशन। ये देखिए इसके ऊपर ना ऐसा वर्क किया हुआ है, दिख रहा है? ये ऐसा वर्क है इसके ऊपर पूरा, और पूरा वाइट कलर में है। ये भी थोड़ा सा मखमली वाला कपड़ा है और बहुत प्यारा लग रहा था। तो ऐसे ये 5 का सेट है और ये हमें पड़ा है 800 रुपीज़ में, 5 पिलो कवर्स 800 रुपीज़ के। तो एक तो ये सेट लिया मैंने, और एक हमने लिया थोड़ा सा जो हमने सोफ़ा कवर लिया ना उससे मिलता जुलता, ये वाला सेम फैब्रिक में है। ये सोफा कवर जो फैब्रिक का है ना, सेम फैब्रिक में है। ऐसे कुछ फ्लावर्स बने हुए हैं इसके ऊपर, देखो, और वाइट कलर में है, इधर लीव्स बनी हुई है, और बहुत प्यारा लग रहा था। ये भी बहुत स्मार्ट लग रहा था जब हम लोग ने इसको डालकर देखा। तो ये भी 5 का सेट है और ये हमें पड़ा है 500 रुपीज़ के, 5 मतलब 100 रुपीज़ का एक पीस। तो ऐसे ये दो टाइप के पिलो कवर हम लोगों ने लिए थे। नेक्स्ट मैं आपको बता रही हूँ, हमने जो लिया था वो है ये मुझे बहुत पसंद आया, ये है दीवान का सेट। तो इसको मैं ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए जो सेट है उसमें ये है सबसे पहले बेडशीट, तो कुछ इस तरीके की बेडशीट है, मरून कलर और क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन है इसमें, और बहुत प्यारा लग रहा था। और नीचे साइड में ऐसा वाला कॉम्बिनेशन है, इतना खूबसूरत लग रहा था ये देखने से ही, और इसकी क्वालिटी असम है, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। और ये ना मतलब कि पूरी चादर ऐसी ही है, मतलब नीचे इसके ऐसा वाला डिज़ाइन है, ऐसा वाला, और बीच में ऐसा वाला डिज़ाइन है। तो एक हमें ये बेडशीट आई है, साथ में आए हैं 5 पिलो कवर्स सेम डिज़ाइन का। तो ये 5 पिलो कवर्स है ऐसे, 5 ये आए हैं, और 2 हमें रोल जो अपना लोड होता है ना जो हम दीवान पे रखते हैं उसके कवर्स आए हैं, लाइक दिस ऐसे। तो ये भी सेम इसका डिजाइन है। तो ऐसे ये दीवान सेट है और ये मुझे पड़ा है 2000 रुपीज़ का। आप लोग मुझे जरूर बताना कमेंट्स में कि क्या हम लोगों ने सही लिया,
ये मैंने बाय द वे चेंज कराया, मतलब इसके पहले मैंने सेम ऐसा दीवान सेट कोई और लिया था, लेकिन उसका प्रिंट जब हम घर लाए ना तो हमने देखा कि उसका प्रिंट जो है वो थोड़ा सा भी अगर उसको अपन वॉश वगैरह करेंगे ना तो वो खराब हो जाएगा, तो इसलिए फिर हम लोगों ने चेंज करके ये वाला लिया था। तो ये तो हुआ जो मैंने घर के लिए हमारे सामान लिया था, वो ये सारी चीजें ली थी, और एक फ्लोर मैट भी लिया था, तो वो वाला वो फ्लोर मैट है और बहुत ही सुंदर है ये, इतना प्यारा इसका फैब्रिक है मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब इतना सॉफ्ट कि आप इसके ऊपर पैर रखोगे ना तो आपको हटाने का मन नहीं करेगा, इतना सुंदर है ये। इसका कलर ऐसा देखो पर्पल कलर का है ये, और पीछे ना ऐसा इसका लाइनर है, तो जब आप इसको फ्लोर पर बिछाओगे तो ये बिल्कुल खसकेगा नहीं, मतलब एकदम सेट हो जाएगा, आप कितना ही इसके ऊपर पैर पूछ के आप जाओगे तो इधर उधर नहीं होगा ये, तो ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। और साथ में इसका कलर और इसका जो कपड़ा है, जो भी ये फैब्रिक है, ये बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, तो ये भी एक हमने लिया था। तो ये हमें पड़ा है 400 रुपीज का, तो आप लोग बताना सही पड़ा या नहीं पड़ा, ठीक है। और घर के लिए मैंने ये भी कुछ सामान लिए थे, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से, राइट। तो ये जो लिया था ना, ये जो बीच में आपको दो दिख रहे हैं ना, ये मैंने लिए थे 100 रुपीज के, 2 मिले मुझे, और ये वाले जो साइड में है ये तो मुझे मेरी मम्मी ने दिए थे, उन्होंने लेकर रखे थे हम मेरे लिए, तो उन्होंने दिए मुझे फिर वो, ठीक है। और ये हुआ घर के लिए सामान। अब मैंने मेरे लिए क्या लिया, इनके लिए क्या लिया, और मम्मी के लिए क्या लिया था, पापा और भैया का, तो हमने आपको ऑलरेडी दिवाली व्लॉग में दिखा दिया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखिए। और अभी तक अगर आप लोगों को हमारा जो भी मैंने ये सामान लिया है वो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो गाइस, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस और ऐसे अच्छे अच्छे व्लॉग्स, डेली रूटीन व्लॉग्स और ट्रैवलिंग व्लॉग्स, बहुत सारी चीजें आपको हमारी लाइफस्टाइल देखने के लिए मिलेगी इस चैनल पर। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले मेरी साड़ी जो मैंने मेरे लिए खरीदी थी, मैं दिखाती हूँ, आप लोगों ने दिवाली व्लॉग में देखा होगा, बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत ही प्यारा इसका डिजाइन है और बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। तो देखिए ये कुछ इस तरीके की है, इसको मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ, ये 3 कलर में, मतलब इसका कॉम्बिनेशन है, एक तो ये ग्रे कलर का है, ये वाला कलर है, एक ये वाला व्हाइट कलर है, और एक ऐसा पिंक कलर है, मतलब पल्लू पूरा ऐसा वर्क से बना हुआ है। तो रुको मैं आपको दिखाती हूँ, तो देखिए ये है इसका पल्लू वाला साइड और पूरा वर्क है इसके ऊपर, दिख रहा है इतनी सुंदर इसके अंदर काम किया हुआ है ना, ये पल्लू आप देखो ऐसा ही पूरा वर्क है यहाँ तक पूरा पल्लू के ऊपर, और साड़ी देखिए कुछ ऐसी है। नीचे ऐसा है इसका वर्क, और इधर भी पूरी साड़ी ऐसी है और नीचे इसके ऐसे वर्क है। और ये जो साड़ी है ये मेरे हस्बैंड के चॉइस की है। इसका ब्लाउज भी आप लोगों को दिखाती हूँ, तो इसका ब्लाउज कुछ ऐसा है, ये मैंने खुद से स्टिच करवाया है, अस्तिन में ऐसा डिजाइन है जो साड़ी में है, सेम डिजाइन ऐसा रखा हुआ है, ये तो डिजाइन मैंने अपने इससे डलवाया है, और दोनों अस्तिन में सॉरी हाँ थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब है तो आवाज आपको अलग आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना, और जो बचा था वो ऐसा बैक में लगाया है। तो कुछ इस तरीके का ब्लाउज है, ये वाला कॉन्ट्रास्ट कलर में इसमें दिया हुआ है। तो ये तो थी मेरी साड़ी, अभी मैं दिखाती हूँ जो मैंने मम्मी के लिए ली थी, वो मेरी पसंद थी, पहले मैं वो वाली साड़ी लेने वाली थी, बट मेरे हस्बैंड को ये वाली साड़ी मेरे लिए ज्यादा अच्छी लग रही थी, तो फिर वो वाली साड़ी जो मुझे पसंद आ रही थी वो मम्मी के लिए ले ली हम लोगों ने, तो वो भी आप लोगों को। तो ये जो मैंने अभी आप लोगों को साड़ी दिखाई ना, ये साड़ी मुझे पड़ी है 3100 रुपीज की, मतलब 3100 की, और ब्लाउज की जो स्टिचिंग वगैरह है वो अलग से है, तो समझ लो कि ये मुझे पड़ी है 3500 रुपीज तक साड़ी। और मम्मी के लिए जो हमने साड़ी ली है ये वाली, ये मुझे बहुत पसंद आई थी, बहुत अच्छी लग रही थी, तो ये है वो साड़ी।
मैं आप लोगों को अच्छे से ओपन करके दिखाती हूँ। कलर तो इतना प्यारा है इसका, मैं बता नहीं सकती आपको। ये देखो ऐसे शिमर में है और डिजाइनर साड़ी है ये, मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाती हूँ। नीचे देखिए इसके ऐसे वर्क है, ये ना हैंड वर्क है ये, नीचे बहुत सुंदर लग रहा था। पहनने के बाद तो इतना सुंदर लुक आ रहा था ना इसके, इसका मैंने पहनकर देखी थी वहां पर, बहुत प्यारा। तो पूरी नीचे की जो बॉर्डर है उसमें ऐसा ही वर्क है, और मैं आपको दिखाती हूँ पूरी साड़ी प्लेन है और नीचे पूरा ऐसा वर्क है, और पल्लू इसका ऐसा ही है, लेकिन पल्लू में पूरा ऐसा डिजाइन दिया हुआ है। देख रहे हो, मैं आपको दिखाती हूँ। इतना प्यारा लग रहा था, देखो कितनी सुंदर लग रही है ना। तो ये मुझे पसंद आई थी साड़ी, लेकिन फिर मम्मी के लिए हम लोगों ने ये वाली साड़ी ली। तो ये हमें पड़ी थी 2700 की, मतलब 2700 की। तो ब्लाउज इसका अलग से मैंने क्योंकि एकदम से स्टिच नहीं हो पा रहा था मम्मी के लिए, तो फिर मैंने उनके लिए ये रेडीमेड ब्लाउज लिया था। मैं दिखाती हूँ, तो ये रेडीमेड ब्लाउज उनको इतना समझ नहीं आया, लेकिन वो एक दिन के लिए पहन लिया उन्होंने। तो अब ये जो ब्लाउज है ना, ये मम्मी ने मुझे लाकर दे दिया है कि तू ही पहनना है इसको, क्योंकि उनको वो जम नहीं रहा, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा वो रेडीमेड वाला कप्स वगैरह है ऑलरेडी। तो देखो ये ऐसा आस्तीन हमने लगवाई है, इसके साथ कपड़ा आया था, तो रेडीमेड ब्लाउज ये मैंने लिया था। इसके ना हुक एक तो पीछे हैं, तो मम्मी को ये इतना जम नहीं रहा, तो मम्मी बोलेगी मैं नहीं पहनूंगी तू ही पहनना, तो ये ब्लाउज रेडीमेड लिया। तो ये वाली साड़ी मम्मी के लिए ली थी। तो कैसी लगी आप लोगों को कमेंट्स में बताना, सबसे अच्छी दोनों में से आप लोगों को कौन सी साड़ी ज्यादा पसंद आई है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरे हस्बैंड के लिए क्या लिया। बेचारे उन्होंने कुछ भी नहीं लिया, इतनी सारी चीजें हमें दिला दी सबके लिए, पापा मम्मी के लिए, भैया के लिए, मेरे लिए, घर के लिए, इतनी सारी चीजें ली, और खुद के लिए कुछ भी नहीं लिया उन्होंने। दिवाली पर उन्होंने जो कोलैबोरेशन वाला एक कुर्ता पजामा आया था ना, वो पहना उन्होंने। तो बहुत उनको बोला मैंने कि ले लो, उनको कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था। बहुत दुकानें हम लोगों ने देखी, ढूंढी थी, कुछ पसंद नहीं आया था, तो इसलिए फिर उन्होंने सिर्फ एक नॉर्मल कुर्ता लिया है, शॉर्ट कुर्ता, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, तो मैंने उसका ब्लाउज आप लोगों को नहीं दिखाया है, जो साड़ी थी ना उसका ऐसा ब्लाउज आया। इसका बैक इतना सुंदर है, मतलब सेम ऐसा हैंडवर्क दिया हुआ है और बहुत ही प्यारा है। ये देखिए ऐसा है इसका बैक, तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो इसको मैं अब सोच रही हूँ कि देखते हैं, मम्मी तो ये साड़ी उनको, क्योंकि वो पहनते नहीं, जम रही है उनको अच्छे से, तो वो बोल रही है कि मैं नहीं पहन पाऊंगी तो तुम पहनना, क्योंकि मुझे तो वैसे ही बहुत पसंद आई थी। तो मैंने मम्मी को बोला हाँ कोई बात नहीं, मैं मम्मी को हम अच्छी और ले देंगे दूसरी साड़ी, अगर आपको नहीं पसंद आ रही है तो फिर मैं ये पहन लूंगी, क्योंकि मुझे ऑलरेडी ये मेरी ही चॉइस थी। तो देखते हैं, ये ब्लाउज अगर मम्मी नहीं बोलेंगी तो मम्मी को फिर हम कोई और साड़ी ले देंगे, और ये वाली साड़ी फिर मैं अपने लिए ब्लाउज सिलवाऊंगी। और मेरे हस्बैंड ने उनके लिए ये वाला कुर्ता लिया था, ये भी बहुत सुंदर लग रहा था जब उन्होंने पहना था, मतलब अभी तक पहना नहीं है लेकिन जब वो ट्राई कर रहे थे ना तो बहुत प्यारा था। तो इसका फैब्रिक कॉटन का है और ऐसी स्लीव्स है, और ये देखो तो ये वाला जो था ये मेरे हस्बैंड के लिए हम लोगों ने लिया था, तो बहुत सुंदर था। उनको इतना बोला हम लोगों ने कि आप भी कुछ ले लो कुछ ले लो, लेकिन वो लिया ही नहीं उन्होंने, सिर्फ ये कुर्ता लिया, वो भी बहुत मनाने के बाद। इसके नीचे कुछ पेयर करने के लिए जीन्स वगैरह भी नहीं लिया था। तो अब देखते हैं किसके, मतलब काय के कौन से ट्राउजर के साथ या कौन से जीन्स के साथ इसको पेयर करेंगे या फिर लेंगे इसके लिए। तो ये भी ये हमें पड़ा था 1500 का, हाँ 1500 का ये शॉर्ट कुर्ता हमें पड़ा था, तो बहुत प्यारा लग रहा था ये भी। सो गाइज, ये सारी चीजें ली थी हम लोगों ने उस दिन भोपाल से, और भी दो तीन चीजें ली हैं, जैसे कि मैंने अपने लिए जूती ली थी और एक सैंडल ली थी, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ये भी वो मैंने मॉल से ली थी। और मैंने ना देखो ये वाली रिंग ली थी वहां से, ये सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए की है, लेकिन इतनी खूबसूरत लग रही थी,
तो मैंने इसको डेली वेयर के लिए ली है, मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। इसके अंदर ना ऐसे स्टोन्स लगे हुए हैं और अंदर ग्रीन कलर का स्टोन है और बहुत सुंदर लग रहा था। मुझे इस टाइप की रिंग्स बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने अपने लिए एक ये रिंग ली थी। और धनतेरस पे हम लोगों ने क्या लिया था वो मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया था, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। वैसे हम लोग गए थे कुछ और लेने के लिए, गई थी मैं अपने लिए ऐसा पेंडेंट देखने के लिए मंगलसूत्र वाला, जिसमें अल्फाबेट हो इनके और मेरे नाम का, DP लेने के लिए गई थी। लेकिन वो मैंने पूरी शॉप्स छान मारी, कहीं पर P था तो कहीं पर D था, लेकिन वो दोनों नहीं मिल रहे थे, जो साथ वाले होते हैं ना वो नहीं मिल रहे थे गोल्ड में, तो फिर वो कैंसिल करना पड़ा। और इसलिए फिर मैंने ली अपने लिए एक नथ, जो ये है, ये भी गोल्ड की है और ये देखिए कुछ इस तरीके की है, दिख रही है क्या? हाँ, तो देखिए ये इस तरीके की नथ है। और अभी मेरा नाक में जो ये होल है ना, ये बुझ चुका है, बहुत बचपन में छिदवाया था मतलब, तो अभी उस दिन तो उन्होंने कर दिया था भैया ने, आप लोगों ने देखा होगा धनतेरस वाले व्लॉग में, लेकिन जब मैंने उसको निकाला ना तो वो वापस अब नहीं जा रही है, तो अब मुझे यहाँ के ज्वेलरी शॉप में जाकर इसको पहनना पड़ेगा, मतलब उनसे पहनवाना पड़ेगा अपने आप में। तो ये लिया था मैंने, बहुत सुंदर है, छोटू सा है, मुझे इस टाइप के अपना क्या बोलते हैं इसको, नथनी पहनना बहुत पसंद है, तो देखती हूँ मैं अपने खुद से ट्राई करके। चलो अभी करते हैं, नहीं आएगा वैसे क्योंकि मैंने ट्राई किया था। दुख रहा है तो इसको मुझे फिर से शायद उसमें छिदवाना पड़ेगा और नाक में, और फिर मैं डालूंगी। तो ये लिया था हम लोगों ने, बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत पसंद आया। और ये हमें पड़ा 1600 या 1700 रुपए का, 1700 का हमें ये पड़ा था एक नथ। तो दैट्स इट गाइज, ये सब कुछ लिया हम लोगों ने, और कैसा लगा आप लोगों को आप लोग मुझे बताना। एक सेकेंड, एक जूती, एक चप्पल रह गई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा ही देती हूँ जब इतना सब कुछ दिखा लिया है तो। एक सेकेंड ना, तो मैंने डेली वेयर करने के लिए ये वाले एक सैंडल्स लिए थे, इतने प्यारे लगे थे ना ये, हम लोगों ने मॉल से लिए थे जब हम लोग गए थे, डी मार्ट गए थे ना वहां से लिए थे, तो कुछ इस तरीके के फ्लावर्स बने हुए हैं इसमें और ऐसी है ये कलर। कैमरे में कुछ और नजर आ रहा है, वैसे एकदम डार्क ब्राउन कलर का है और बहुत प्यारा लग रहा था पहनने के बाद, मतलब साड़ी पे, सूट पे, किसी पे भी, जीन्स पर भी चल जाएगा, तो ये पैर मैंने अपने लिए लिया था। सो या एक दो चीजें और है। सो गाइस, मैं ढूंढ ढूंढ के ला रही हूँ क्योंकि कई चीजें ऐसी है ना जो ऑलरेडी निकल चुकी हैं घर में यूज करने के लिए, तो अब मुझे जैसे जैसे याद आ रहा है वैसे वैसे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोगों ने ली है भोपाल अभी हम लोग जब गए थे तब। तो देखिए ये चार का सेट है, ये ग्लास जार्स है, तो ये मैंने लिया है डी मार्ट से, तो ये 4 का सेट है इसमें, और मैंने अभी तक ओपन भी नहीं किया है इसको, और मतलब इसके अंदर हम कुछ भी रख सकते हैं, छोटी मोटी चीजें जैसे कि अपने मसाले हो गए, खड़े मसाले हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, तो ऐसी चीजें रख सकते हैं। तो ऐसे मैंने लिए हैं ये 8, मतलब दो पीस ऐसे लिए हैं, दो सेट लिए हैं। तो ये एक है 100 रुपीज का, तो ऐसे 200 रुपीज के 8 मिले मुझे, तो मुझे बहुत बहुत अच्छे लगे रेट वाइज भी, तो मैंने फिर ये ले लिए अपने लिए, अपने किचन के लिए एक्चुअली। तो या ये सारी चीजें थी जो हमने इस दिवाली पर हमारे लिए खरीदी, और भी बहुत सारी चीजें खरीदी यार, पर अब वो छोटी मोटी चीजें घर में यूज हो चुकी हैं, कहीं कहीं मैं भूल रही हूँ दिखाना आप लोगों को, तो कभी मुझे याद आएगा, कभी दिखेंगी तो मैं आपको किसी और व्लॉग में उसको बताऊंगी। पर मोटी मोटी जो चीजें थी वो यही सारी चीजें थी। तो बताना आप लोग कैसा लगा आप लोगों को हमारा दिवाली का शॉपिंग व्लॉग वीडियो, आप लोगों को इसमें से सबसे अच्छी चीज कौन सी लगी है। मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं इसका जल्दी वीडियो बनाऊंगी, लेकिन सो सॉरी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इवन अभी भी ठीक नहीं है, नहीं थी तो फिर मैं वो बना ही नहीं पाई, तो उसके लिए सो सॉरी। तो या आप लोगों को अगर ये वाला सामान अच्छा लगा है, तो इसमें से अगर आपको कुछ भी यूजफुल लगता है तो आप सारी चीजें ले सकते हो। हमने ये सारी चीजें ली थी सिटी
सिटी से, यस सिटी से ली थी। जो जितना भी ये सारा घर का सामान लिया ना, ये हम लोगों ने सिटी से लिया। साड़ी भी सिटी से ही ली थी। अभी कौन सी शॉप है क्या है मुझे याद आएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी या तो फिर किसी और व्लॉग में बताऊंगी। तो यस यही था आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। कुछ भी चीज़ आपको पसंद आई है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी कि जो भी भोपाल से हैं उन लोगों को शॉप बता पाऊँ ताकि वो भी जाके वहाँ से ले पाए। मुझे क्या ये चीज़ें सही रीजनेबल प्राइस में पड़ी हैं या मैंने महंगी खरीद ली है या मुझे अच्छे में पड़ी है, तो ये भी कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन इस व्लॉग को शेयर कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन लव यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय एंड टेक केयर गाइस, बाय।